हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आपका लैपटॉप फोन होता है और डिस्प्ले नहीं आता, तो उसका सॉल्यूशन क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हो जैसा कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन हो चुका है लैपटॉप, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आप अपने लैपटॉप को घर पे भी ठीक कर सकते हो। सिर्फ 5-10 मिनट का जो वर्क होता है वो मैं आपको मेनली बताऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना लैपटॉप प्लग आउट करके उसकी बैटरी निकाल लेनी है। उसके बाद आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, प्लस वाला या जो भी होता है, जिसमें आपके पेज वगैरह जो खुल जाए उससे। उसके बाद आपके लैपटॉप के जो भी पेज होते हैं आप उसको खोल सकते हो। उसके बाद इसका यहाँ से जो कवर होता है वो निकाल लेना है, और इसके अंदर एक रैम लगी होती है दोस्तों, जो कि इस तरीके से लगी होती है, उसको आपको निकालना है और रैम को निकाल लेना है। उसके बाद अगर आपके पास इरेजर है, इरेजर की मदद से इसका जो जो रैम होती है उसकी लेयर पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा कार्बन जम जाता है। इस कार्बन को निकालने के लिए आपको एक इरेजर लेनी है, और सिंपली आपको इससे रब कर लेना है इसको। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो रैम है वो क्लीन हो चुकी है, और इसके स्लॉट को भी थोड़ा साफ कर लेना। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, लैपटॉप है ना आपका जो वो अब ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा लैपटॉप ऑन हुआ है या नहीं। लैपटॉप ऑन हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो लैपटॉप हमारा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आ चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं होती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप फरीदाबाद के अंदर रहते हो तो हम फरीदाबाद में होम सर्विस देते हैं, आप एक कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पर, हम आके आपका लैपटॉप ठीक कर देंगे। थैंक यू।